अगले साल से शुरू होगा, सिर्फ 20,000 रुपए पर मंथ का, और वो भी आपको सिर्फ 11 साल देना है, और 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपकी। खुदा ना खास्ता कोई मिसहैपनिंग हो जाए पहले साल में, दूसरे साल में, पांचवें साल में, तो यहाँ पर आपको टाटा कंपनी पहले दिन से सिक्योर कर रही है, गारंटी दे रही है कि अगर पहले साल में भी प्रीमियम देने के बाद, किस्त देने के बाद कोई मिसहैपनिंग होती है तो अगले 11 साल के प्रीमियम टाटा कंपनी भरेगी, और उसी टाइम पहले साल में ही आपके फैमिली को 30 लाख रुपए एज इट इज पकड़ा देगी। आपके नॉमिनी को 30 लाख रुपए उसी टाइम मिल जाएंगे, 11 साल के प्रीमियम कंपनी भरेगी, प्रीमियम वेवर हो जाएगा, और 12वें साल से आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाटा एआई के ई प्रॉपर्टी फ्यूचर गारंटी प्लान के बारे में, जो अपने आप में इतना शानदार, इतना जबरदस्त है, जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी ना सुना होगा ना कभी देखा होगा, और इसकी गारंटी वर्किंग फुल्ली समझाऊंगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना है, अच्छे से समझना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर जरूर क्लिक करना है, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों एक ऐसा ई प्रॉपर्टी प्लान, जिसमें पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई ई प्रॉपर्टी नहीं है, किसी तरह का प्रॉपर्टी वेंचर नहीं है, ये प्योरली लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसका हमने नाम दिया है ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ 2 BHK ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट में इतनी शानदार जबरदस्त वर्किंग है, आप सिर्फ 30 लाख रुपए का प्रॉपर्टी 2,40,000 रुपए बुकिंग करके कर सकते हैं। सिर्फ 2,40,000 रुपए डाउन पेमेंट दीजिए और आपका 30 लाख रुपए का प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगा। आगे के 11 साल के जो प्रीमियम है, जो EMI है, जो पैसा है, वो आपको इंटरेस्ट फ्री EMI में पे करना होगा, किसी भी तरह का इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है, यानी कि आपका जो EMI शुरू होने वाला है वो अगले साल से शुरू होगा, सिर्फ 20,000 रुपए पर मंथ का, और वो भी आपको सिर्फ 11 साल देना है, और 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपकी। खुदा ना खास्ता कोई मिसहैपनिंग हो जाए पहले साल में, दूसरे साल में, पांचवें साल में, तो यहाँ पर आपको टाटा कंपनी पहले दिन से सिक्योर कर रही है, गारंटी दे रही है कि अगर पहले साल में भी प्रीमियम देने के बाद, किस्त देने के बाद कोई मिसहैपनिंग होती है तो अगले 11 साल के प्रीमियम टाटा कंपनी भरेगी, और उसी टाइम पहले साल में ही आपके फैमिली को 30 लाख रुपए एज इट इज पकड़ा देगी। आपके नॉमिनी को 30 लाख रुपए उसी टाइम मिल जाएंगे, 11 साल के प्रीमियम कंपनी भरेगी, प्रीमियम वेवर हो जाएगा, और 12वें साल से 13वें साल से जो आपको पैसा मिलने वाला है अगले 30 साल तक गारंटेड वर्जन में आपको रेंटल पैसा मिलने वाला है पूरे 30 साल के लिए। वो कितना मिलेगा? 2,69,040 रुपए मिलने वाले हैं, यानी कि मंथली बात करें तो 22,416 रुपए मंथली पैसा मिलेगा, टैक्स फ्री पैसा मिलेगा। कब तक मिलेगा? पूरे 30 साल तक मिलेगा, ये बेस्ट पार्ट है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 30वें साल में आपको टोटल पैसा एक और मैच्योरिटी मिलेगा, जो अमाउंट बनेगा 28,80,000 रुपए, जो 12 सालों का टोटल अमाउंट बनता है, एक साल का 2,40,000 के हिसाब से 12 साल में 28,80,000 रुपए आपका जमा होगा, वो 28,80,000 30वें साल में कंपनी वापस देती है। ऐसी शानदार वर्किंग ना आज से पहले आपने कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी, और इसको मैं कंपेयर करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी से तो कई गुना, लाख गुना ज्यादा अच्छी पॉलिसी है, ज्यादा अच्छी ई प्रॉपर्टी है, जो कि आपके फिजिकल से कंपेयर कर लीजिए, आपको मच मच बेटर ऑप्शन मिलेगा। फटाफट से समझाता हूँ, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की एक वर्किंग आपको दिखा रहा हूँ। आज आप कोई फिजिकल प्रॉपर्टी लेने जाते हैं 30 लाख रुपए का, और दूसरी तरफ टाटा एआई का ई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो दोनों में फर्क यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। पहले जब आप 30 लाख का प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वहां पर आपको 20% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, 6 लाख रुपए आपका डाउन पेमेंट में लगेगा। इतना ही नहीं, जो बाकी बचा है 24 लाख रुपए, उसको फाइनेंस कराना होगा, और उसकी जो EMI बनेगी वो अगले महीने से बनेगी, और उसके पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8% का। तो 24 लाख का 8% के हिसाब से आप इंटरेस्ट पे करेंगे, पूरे 20 साल तक पे करेंगे, और EMI करीबन 23,000 से 24,000 रुपए पर मंथ आपकी देनी शुरू हो जाएगी पहले महीने से ही। लेकिन सबसे पहले आपको रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, 7 से 8% का रजिस्ट्री का खर्चा लगेगा, 2,40,000 रुपए आपके रजिस्ट्री में लग जाएंगे, और जिस पर्सन से आप प्रॉपर्टी लेंगे, जिस ब्रोकर से प्रॉपर्टी लेंगे, उसको 2% आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, तो 60,000 रुपए कमीशन आपका वहां भी चला जाएगा। जब हम बात करें इस प्रॉपर्टी को, अगर आप रेंट आउट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस फिजिकल प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से लेते हैं, तो रेंटल उस पर 8 से 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं आता है,
2 BHK कहीं भी 30 लाख की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और उसमें अगर जब तक रेंट आउट नहीं होती प्रॉपर्टी तब तक 2-3 हजार रुपए का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल आप ही को भरना पड़ेगा, वो मैंडेटरी कंडीशन दिक्कत रहती है। बात कर लेते हैं ऑनर राइट की। जब भी आप कोई फाइनेंसिंग कराते हैं तो ऑनर राइट आपका नहीं रहता है, हमेशा बैंक का रहता है, और अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो बैंक आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स पे आके प्रेशर जमाते हैं और उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, कुर्की कर सकते हैं और अपना पैसा वसूल कर सकते हैं, उसमें आपके राइट्स नहीं रहते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। बात कर लेते हैं आपको प्रॉपर्टी वो पड़ती कितने की, एक्चुअल कॉस्टिंग क्या पड़ती है। जो 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है वो 60 से 65 लाख 70 लाख की आपको पड़ती है विद इंटरेस्ट 20 सालों के अंदर। जब आप उसको बेचने की बात करते हैं 20 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट दे जाए और हो सकता है नहीं भी दे। 50 लाख 55 लाख 75 लाख 80 लाख की प्रॉपर्टी सेल आउट हो सकती है और नहीं भी हो सकती, वी नेवर नो आगे का सिनेरियो क्या होगा। ये है फिजिकल प्रॉपर्टी की वर्किंग। वहीं अगर आप टाटा एई में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोनों का डिफरेंस साथ साथ बताता चलूंगा। वहां पर आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ी थी 6 लाख रुपए फिजिकल में, यहां मैं 30 लाख की प्रॉपर्टी टाटा की प्रॉपर्टी दे रहा हूं और जिसमें सिर्फ डाउन पेमेंट देना होगा सिर्फ 2,40,000 रुपए। बहुत बड़ा फर्क है, आपको 3,60,000 रुपए आपके बचते हैं। वहां पर आपको 24 लाख रुपए बैंक फाइनेंस कराना पड़ रहा था, 8% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, यहाँ पर अगले 11 साल पेमेंट देनी है और वो भी टैक्स फ्री इंटरेस्ट फ्री देनी है, किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं है, 0% इंटरेस्ट है, और 20,000 रुपए महीना देना है, वो भी अगले साल से देना है और वो भी सिर्फ 11 साल तक देना है। अमेजिंग अमेजिंग वर्किंग। वहां पर आपका 60-65 लाख जमा हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ 28,80,000 रुपए जमा होगा। ये दूसरा बड़ा बेनिफिट, 30-35 लाख रुपए आपके यहाँ पे बचा दिए। तीसरी बात कर लेता हूं, वहां पर आपको जो ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ रहा था 2% आपके 60,000 रुपए, वो भी यहाँ नहीं देने। वहां पर आपको 7-8% रजिस्ट्री का चार्जेस देना था करीबन 2,40,000 रुपए, यहाँ पर वो भी जीरो देना है, रजिस्ट्री भी जीरो और ब्रोकरेज चार्जेस भी जीरो, कोई पैसा नहीं देना है। बात कर लेते हैं वहां पर आपको रेंट मिल रहा था 8-10 हजार रुपए फिजिकल प्रॉपर्टी में, यहां पर आपको रेंट मिलेगा 22,416 रुपए और 2,69,000 रुपए सालाना। या तो 22,416 मंथली ले लीजिए या 2,69,000 आप सालाना ले लीजिए। वहां पर रेंट 1-2 साल के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा, यहां पर रेंट 13वें साल से शुरू होगा। बस ये छोटा सा गैप है, ये थोड़ा सा फर्क है जिसको मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। वहां पर रेंटेड प्रॉपर्टी 1-2 साल में कभी भी खाली करानी पड़ती है, टेनेंट चला जाता है, बार बार ढूंढना पड़ता है, यहाँ पर टेनेंट को कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये पूरे 30 साल के लिए आपको पैसा आएगा। वहां पर जो रेंट आता है वो टैक्सेबल होता है, यहाँ पर जो रेंट आएगा ये नॉन टैक्सेबल होगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितना भी पैसा मनी बैक के रूप में आपको मिल रहा है ये पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है। 2,69,000 × 30 साल कैलकुलेट कर लीजिए, ये पैसा पूरे 30 साल आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके बाद अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए पहले साल में, 5वें साल में 7वें साल में, तो बेस्ट पार्ट क्या है, जिस साल में भी डेथ होगी 1 साल से लेकर 12 साल के बीच में, मान लीजिए 4थे साल में डेथ हो गई, तो उसी टाइम पे आपको नॉमिनी को 30 लाख रुपए कंपनी उसी दिन दे देगी, और 30 लाख देने के बाद आगे का प्रीमियम कंपनी भरेगी, आपके लिए प्रीमियम वेव हो जाएगा, 8 साल के प्रीमियम कंपनी भरेगी 2,40,000 रुपए, और 13वें साल से आपके नॉमिनी को जैसे आपको पैसा मिलने वाला था 2,69,000 रुपए, ऐसे आपको मिलता रहेगा पूरे 30 साल तक मिलेगा। इतना ही नहीं 30वें साल में एक लमसम मैच्योरिटी और मिलेगी 28,80,000 रुपए। डेथ होती है तब भी, नहीं होती है तब भी, ये दोनों पैसे आपको मिलेंगे। डेथ होती है तो 3 तरह के पैसे मिलेंगे, पहला लमसम डेथ बेनिफिट, नंबर 2 मनी बैक पूरे 30 साल तक, और नंबर 3 मैच्योरिटी बेनिफिट। आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, आपको जो टोटल पैसा मिलेगा 1,09,00,000 प्लस 28,80,000 करीबन 1,39,00,000 रुपए के करीब आपको पैसा मिलेगा, 1,37,00,000 – 1,38,00,000 के करीब आपको पैसा मिलेगा। अमेजिंग अमेजिंग वर्किंग है और ये सब कुछ गारंटेड है। इसमें आपका पैसा सिर्फ 28,80,000 जमा हुआ, अगर डेथ नहीं होती, कोई मिसहैपनिंग नहीं होती, तो आपको 80,71,000 रुपए का बेनिफिट है, और अगर डेथ हो जाती है तो 1,09,00,000 रुपए का सीधा सीधा आपके घर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट जाता है, बेनिफिट जाता है। जो लोग भी इस 2BHK प्लान को हमारे थ्रू लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कौन सी कंपनी का क्या प्लान है, क्या वर्किंग है, तो दोस्तों हम एजेंट्स को ये वर्किंग शेयर नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लेने वाले कस्टमर्स को इस प्लान के बारे में सारी जानकारी देते हैं।
इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी आप हमारे साथ ये प्लान ले सकते हैं, चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो। प्लीज जल्दी से व्हाट्सअप करें 2BHK ई प्रॉपर्टी प्लान। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।